कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है, 10,000 करोड़ की रिश्वत? देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है, 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता। इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई का छापा पड़ा, ईडी का पड़ा, इनकम टैक्स का पड़ा, कुछ मिला? घर में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, दफ्तर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि शायद मनीष सिसोदिया ने अपने पैतृक गांव में जमीन ली होगी, वहां भी गई सीबीआई, पूरी छानबीन की, वहां भी कुछ नहीं मिला। एक रुपया इलीगल मनीष सिसोदिया जी के पास नहीं मिला, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली, उन्होंने घोटाला कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कभी किसी भ्रष्टाचारी को ऐसा देखा है जो सुबह 6 बजे उठकर सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण करता हो, ये देखता हो कि बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है नहीं हो रही, उनको डेस्क की, स्कूल की, क्लासरूम की, टॉयलेट की, पढ़ाई की फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही? अरे जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो तो रात को शराब और शबाब के अंदर मस्त होके सोते हैं और आराम से उठते हैं। कोई भ्रष्टाचारी लोगों के ये लक्षण दिखाए जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है, उनको अरविंद केजरीवाल से ही डर लगता है, उनको और किसी नेता से डर नहीं लगता, उनको राहुल गांधी या किसी और राजनीतिक पार्टी से डर नहीं लगता, उनको अरविंद केजरीवाल से ही जो है डर लगता है। आज ये जो गिरफ्तारी हो रही है ये कोई दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी नहीं है, ये देश के होने वाले शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी है। ये लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरे को लड़ाने की, नफरत फैलाने की जो झूठी राजनीति है उसके अंदर नहीं आएंगे। पढ़ने लिखने के बाद ये बच्चे बड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रश्न पूछेंगे, उनके ऊपर थूकेंगे, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देगी।